कितना सस्ता हुआ मोबाइल और कितना होना है, Infinix Note 30 Pro भी सस्ता हुआ है और VIP का क्या सीन है, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। Note 30 और सस्ता हो गया, तो जी हाँ बिल्कुल और सस्ता हो गया है। एक चीज जो कि माइंड में हमें रखनी है, इसमें किट्स भी बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो अब किट्स में क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, डिमांड आपको पता है कहाँ जा रही थी Note 30 की, दैट्स द रीजन कि इसकी जो किट्स हैं ये भी काफी ज्यादा मतलब के मार्केट में आई है और लोगों ने बहुत से मार्केट में इसकी किट्स सेल आउट की हैं और बहुत से मसले मसाइल भी हैं जो नाम जो है Infinix पे लगता रहा है कि यार इनके मोबाइल्स में ये इशू आ रहा है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि Infinix Note 30 की जो प्राइस है वो वाकई ही डाउन आई है। एक जस्ट इसकी नहीं है, बाकी और सारे मोबाइल्स की भी आई, कैमन 20 की भी नीचे आई है, मतलब जितने और अबव मोबाइल गए हुए थे सबकी प्राइजेस डाउन हुई है। अब प्राइस इसकी क्या है, तो प्राइस इसकी 46,000 रुपीस मतलब मार्केट से अब इजीली अवेलेबल मिल जाता है आपको, 47, 48, 50 इसके आसपास आपको मोबाइल इजीली मार्केट से अवेलेबल मिल जाता है। ऑनलाइन की बात करें तो 47 प्राइस ऑयल पे भी आ रही है, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि अगर आपको जानने वाला कोई है तो और भी आप कम दे सकते हैं। जानने वाला इसलिए बोलता रहता हूँ क्योंकि यार पाकिस्तान में ताल्लुकात भी लोगों के बड़े होते हैं, इसलिए बस अगर ताल्लुकात वगैरह वास्ता है वो अलग बात है, टीका भी सबसे ज्यादा जो है वो ताल्लुकात वाले ही लगाते हैं। खैर अगर फिर भी आपका कोई जानने वाला है जो कि आपको टीके ना लगाए उसे आप इजीली ले सकते हो। Note 30 Pro की अगर बात करें तो यार प्रो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव जा रहा है अभी भी मार्केट से, वो अभी भी शॉर्ट है और 85,000 के आसपास मार्केट से मिल रहा है। ऑनलाइन प्राइसेस की 82,000 83,000 के आसपास मिल रही है, लेकिन कहने की बात वही है यार कि अभी ना लो आप, जैसे आप परचेज ना करोगे तो जाहिर सी बात है इसमें नीचे जाएगा। तो VIP की अगर बात करें तो अभी ये समझो कि बहुत बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, मिल ही नहीं रहा कहीं से। प्राइस क्या बताऊँ उसकी, छोड़ो प्राइस को यार, मिल ही नहीं रहा, जब मिल ही नहीं रहा तो प्राइस चेक में आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्टॉक है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्टॉक है VIP का। कहीं से जिसको मिल गया खुश किस्मत है यार, वो भी अगर उसको अच्छी प्राइस में मिल गया। तो बात करते हैं वापस Note 30 की, Note 30 और Camon 20 ठीक है, ये दो मोबाइल जो हैं काफ़ी ज़्यादा इन डिमांड बातों में आ रहे हैं कि यार क्या ये ठीक है या नहीं। तो कैमरे की अगर बात करें तो कैमरे में Camon 20 बेहतर है कंपेयर टू Infinix Note 30। तो Note 30 का कैमरा तो बस एक नॉर्मल कैमरा है, जैसे Note 11 का कैमरा इन्होंने 50 मेगापिक्सल की हाईलाइट लगाई थी, लेकिन हार्डवेयर HWD के नाम से एक ऐप है जो कि प्ले स्टोर से मिल जाती है, वो आप डाउनलोड करते हो तो आपको 12 MP का कैमरा जस्ट बताता है। मतलब ये सिनेरियोस भी होते हैं, बताते कुछ हैं बीच में कुछ रखते हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत सी चीज़ों में Infinix अच्छा भी है। अब Camon 20 ठीक है जो आ रहा है वो प्रोसेसर जो G88 है, जबकि Note 30 की बात करें तो आपको प्रोसेसर G99 दे रहा है, चार्जिंग भी फास्ट दे रहा है कंपेयर टू Camon। Camon 20 की चार्जिंग थोड़ी स्लो है कंपेयर टू Note 30, 45 वॉट दे रहा आपको, मतलब फास्ट चार्जिंग आपको दे रहा है। मतलब कहने का ये है कि कुछ चीज़ें जो कि Infinix में है वो Camon में नहीं है, जो Camon 20 में है वो Infinix में नहीं है, तो आपको बाय कौन सा करना चाहिए ठीक है। अब आपकी डिमांड देखो कि अगर आपको कैमरा फ़ोन चाहिए फिर आप Camon 20 की तरफ चले जाएं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है मोबाइल्स में। अगर गेमिंग के लिए आप वो मोबाइल ख़रीदना चाह रहे हैं तो फिर आप G99 जो कि Infinix Note 30 की प्रोसेसर चिप है इस पे आप आ सकते हो। अगर आपको नॉर्मल यूज़ चाहिए और कैमरा बेहतरीन चाहिए तो आप Camon 20 परचेज कर लो, सेम प्राइस में आ रहा है ठीक है, सेम स्टॉक में आ रहा है, 8128 में, 8256 में है, तो आप इजी कैरी आउट कर सकते हो। अब डिफरेंसेस में इन दोनों में क्या रहा है कि यार जस्ट एक कैमरा का आ रहा है, तो कैमरा Camon का मानना पड़ेगा, Infinix को कैमरा में भी काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। हाईलाइट तो बहुत कर देते हैं कि ये वो भी है ये भी है सब कुछ, लेकिन हाईलाइट जितनी दिखा देते हैं लेकिन जब प्रोडक्ट मैदान में आता है तो कुछ ना कुछ उसमें फॉल्ट आ जाता है, तो मतलब इतनी हाइप क्रिएट नहीं करनी चाहिए ने यार, ये भी है वो भी है। खैर ये मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी होती है, आई नो। डिफरेंस दोनों बता दी मैंने आपको, कैमरा फोन वर्सेस नॉर्मल यूज में आप नॉर्मल नहीं, अब G88 भी काफी अच्छा, भी जो Infinix का मेरे पास Note 11 इसमें G88 है, तो काफी अच्छी गेमिंग कर रहा है यार, मतलब लैग नहीं कर रहा, स्मूथली चला रहा हर चीज, ये नहीं है कि आप बिल्कुल इसमें चला नहीं सकते। लेकिन Infinix Note 30 की बात करें तो प्रोसेसर थोड़ा सा अब है जो कि आपको गेमिंग के साइड से कह सकते हैं, और भी मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह अगर आप हैवीली चलाते हो लाइक एडिटिंग के लिए कैपकट चला रहे हो या फिर और कोई सॉफ्टवेयर ऐसा जो कि हैवी है तो उसके लिए फिर आप G99 वाला ले लो, लेकिन G88 भी काफ़ी चीज़ें इजीली हैंडल कर लेता है। डिज़ाइन की बात करें तो यार Camon 20 का डिज़ाइन ज़रा अलग सा है कंपेयर टू Note 30 का जो डिज़ाइन है ये ऑलमोस्ट आपको
नोट 11 के आसपास का देखने को मिल जाता है। नोट 11 का जो डिजाइन है वो थोड़ा छोटा कैमरे में आ रहा है, लाइक दैट इस तरह से आ रहा है, जबकि नोट 11 नोट 30 की बात करें वो थोड़ा इसी शेड में थोड़ा सा बड़ा डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मतलब कि यार शेड्स वगैरह भी थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर टेक्नो को देखें, टेक्नो की 10 प्रो जो सीरीज आई है कमाल है, आईफोन की छापा कॉपी उन्होंने मारी है। ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो उनमें मॉडल है, जो कलर कॉम्बिनेशन है यार, फाड़ू का किस्म का है यार, मतलब के आला किस्म का है, तो बेहतरीन है। अगर 10 प्रो में 256 वाला वेरिएंट यहाँ अवेलेबल होता तो मैं यकीनन वही बाय करता, लेकिन नॉट अवेलेबल, इन्फिनिक्स की तरह दोबारा हम लोग आ रहे हैं। तो खैर, इन्फिनिक्स का जब मैं मोबाइल परचेस कर लूंगा तो यहाँ पे अनबॉक्सिंग भी करेंगे और साथ में हार्डवेयर HW वाला ऐप इंस्टॉल करके देखेंगे कि क्या यार रियल में जो बता रहे हैं सच में उसमें भी वही है या फिर जस्ट हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, तो वो भी देखेंगे। तो अभी जस्ट ये आपको बताना था कि यार मोबाइल फोन की प्राइजेस काफी डाउन हुई है, इन्फिनिक्स नोट 30 की प्राइस डाउन हुई है, तो आप भी इजीली इतने का परचेस कर सकते हो। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए केयर, गुड बाय।